फरवरी महीने के 7 तारीख से शुरू होकर 14 तारीख के बीच में क्या क्या होता है और आपको क्या क्या झेलना पड़ता है, उन सभी के बारे में जानेंगे। जी हाँ, आ रहा है आपका वैलेंटाइंस वीक। तीन वैलेंटाइंस वीक में 7 से लेकर 14 तारीख के बीच में आप क्या क्या करते हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पार्टनर को आप इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग का होता है जो पहला दिन है वह होता है रोज डे से शुरू होता है, जो कि 7 तारीख को स्टार्ट होता है। यस, फरवरी महीने की 7 तारीख से शुरू होते हैं ये, और इस दिन हम लोग रोज से स्टार्ट करते हैं। जो शुरुआत होते हैं गुलाब की खुशबू और खूबसूरती के साथ करते हैं। सभी अपने अपने प्यार का इजहार इसी गुलाब के साथ करते हैं, जो कि रोज डे के नाम से जाना जाता है। पहला दिन रोज डे होता है 7 फरवरी को। दूसरा जो हम लोग का है प्रपोज डे, ये जो आपका दिन है 8 फरवरी को होता है, जो कि प्रपोज डे मनाया जाता है। अगर आपको किसी से बेइंतहा मोहब्बत है और इस बात को बताना चाहते हैं, तो इस दिन इस मौका को चूकने ना दें। ये सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में पास होना चाहते हैं, तीस दिन को आप अपना प्रपोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो आता है तीसरा दिन चॉकलेट डे, इस दिन दुकानदार का बल्ले बल्ले हो जाता है, क्योंकि चॉकलेट एकदम पूरा बिकता है। जी हाँ, पिछले 200 सालों से चॉकलेट लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, जो कि स्ट्रेस को भी दूर करता है। ये जो 9 फरवरी को चॉकलेट डे मनाया भी जाता है, इस दिन हम सब कोई क्या करते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं, ताकि ज़िंदगी में चॉकलेट की तरह मिठास बनी रहे। नेक्स्ट हम लोग का जो चौथा दिन आता है, जी हाँ, जो कि 10 फरवरी को होता है, टेडी डे के नाम से जाना जाता है। यस, इस दिन क्या होता है, टेडी बियर की तरह दिल भी बेहद कमज़ोर और नाजुक होता है। दिल की कोमलता का एहसास दिलाने के लिए चौथे दिन यानी 10 फरवरी को सभी कोई क्या करते हैं, टेडी बियर का गिफ्ट करते हैं। यस, इस दिन क्या होते हैं, लड़कियों की ओर स्टफ्ड खिलौना बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है, और उससे बातें करना लड़कियों को खूब भाता भी है, चाहे वो बात करे या ना करे, ये एक तरफ से बात करते जाता है। तो आप जान लें 10 फरवरी को है तो टेडी डे होता है। नेक्स्ट हम लोग का जो है पांचवा दिन यानी प्रॉमिस डे, झूठ मूठ का प्रॉमिस कर दीजिए, झूठ मूठ का मत कीजिए, नहीं तो आपका सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, प्यार करना जितना आसान है उससे कहीं ज़्यादा इसे कठिन से बरकरार रखना है। जी हाँ, अब जो प्रॉमिस करते हैं उसको निभाना। फरवरी में चलने वाले ये जो होता है 11 फरवरी को प्रॉमिस डे मनाया जाता है। इस दिन सब कोई क्या करते हैं, जिंदगी भर के लिए कोई खास वादा करते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास जो है छठा दिन यानी 12 फरवरी जो होता है, उस दिन हग डे के नाम से जाना जाता है। 12 फरवरी को हग डे मनाते हैं, यह एक दूसरे को गले से लगाकर प्यार जताने का। नेक्स्ट हम लोग का जो आता है सातवां दिन यानी किस डे के नाम से इसको मनाया जाता है, सातवें दिन यानी कि 13 फरवरी को यह दिन मनाया जाता है। उसके बाद जो इसका अंतिम यानी वैलेंटाइंस का जो एंड जो आता है वो आता है वैलेंटाइंस डे के नाम से। इतने सारे हर एक चीज़ का पैसा खर्च करने के बाद सब जो आपका लास्ट में जो आता है उसका हिसाब किताब करने का दिन, इसको कहा जाता है वैलेंटाइन डे। आप हिसाब किताब मत कीजिए, नहीं तो आपका 9-2-11 होकर सब खत्म हो जाएगा। भाग दौड़ भरी जिंदगी में पार्टी करने का बहाना मिल जाएगा इसमें। ठीक उसी तरह भले हम प्यार रोज जताते हैं, लेकिन उसका जश्न एक ही दिन मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो होता है वैलेंटाइंस वही एक दिन है। इसमें क्या होता है कि हर एक चीज़ का आप उनको बता सकते हैं वैलेंटाइंस डे के दिन। ये होता है आपका जो कि 14 फरवरी के दिन होता है। तो इस तरीके से आप अपने वैलेंटाइंस वीक को मना सकते हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ खराबी मिला है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।